राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मुस्लिम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की हकदार है, इसके लिए वह याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागारत्ना और जस्टिस अक्सटीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए ये आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। न्यायमूर्ति नागारत्ना ने कहा कि हम इस निष्कर्ष के साथ अपील खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। बेंच ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने इद्दत अवधि के दौरान पत्नी को कुछ भुगतान किया था। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा, 15,000 रुपए का ड्राफ्ट ऑफर किया था लेकिन पत्नी ने नहीं लिया। तलाक के बाद इद्दत वह अवधि होती है जब पत्नी को किसी से शादी करने या किसी के साथ रिश्ते बनाने की इजाजत नहीं होती। बता दें कि 1 जुलाई से सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस ने ले ली है। बीएनएसएस की धारा 144 में वही सब प्रावधान है जो सीआरपीसी की धारा 125 में थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।